राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 19। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 19। एलिया का निराश होना और फिर हियाव बांधना। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाना खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में न था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढापा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इसराइल का राजा होने को निमशी के पोते एहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको एहू मार डालेगा और जो कोई एहू की तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है?
तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा।